हे एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू सीरीज जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्लास 11th और 12th के. जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और जो भी एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस होते हैं वो वाले हम करेंगे. और इसमें आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सोडियम सल्फेट. तो सोडियम सल्फेट का हमें जो एलिमेंट्स है, सोडियम सल्फेट में ये सोडियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो इन तीनों एलिमेंट्स का मास परसेंट फाइंड करना है हमें. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मास परसेंट क्या होता है. तो देखो, मास परसेंट हम किसको बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंट को भी बोल सकते हो आप, तो या फिर परसेंट वेट बाय वेट भी बोलते हैं हम इसे. ठीक है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. सपोज हमारे पास है x परसेंट वेट बाय वेट, तो इसका मतलब क्या है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये होता है मास परसेंट का मीनिंग. यानी कि जितना भी परसेंट है उसका मतलब क्या है कि वो उतना अमाउंट या फिर उतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में. अब इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो देखो, ये फॉर्मूला है इसका, मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. तो ये है मास परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला. अब देखो, इसमें हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले तो मास ऑफ एलिमेंट, जो भी, जैसे अगर हम सोडियम का मास परसेंट फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमें सोडियम का मास चाहिए होगा और टोटल मास ऑफ कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होगी. तो फाइंड करेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड. सो टोटल मास ऑफ कंपाउंड, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड क्या है, Na2SO4. अब इसका आप मॉलिकुलर वेट कैसे फाइंड कर सकते हो. तो सोडियम हमारे पास है दो, और एक सोडियम का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 23, प्लस एक सल्फर है और एक सल्फर का जो वेट होता है वो है 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16. तो इन सबको जब आप टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 142 ग्राम पर मोल. तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4. अब हमारे पास टोटल मास ऑफ कंपाउंड तो आ गया, अब हमें एक एक एलिमेंट का मास पता होना चाहिए. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सोडियम का मास परसेंट. तो इसके लिए मास ऑफ सोडियम चाहिए. तो देखो, सोडियम एलिमेंट का हमारे पास मास कितना हो जाएगा, 46, क्योंकि यहाँ पर दो सोडियम प्रेजेंट है. तो 46 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो कि है 142 इनटू 100. तो ये आ जाएगा 32.5%. तो ये आ गया हमारे पास मास परसेंट ऑफ सोडियम. अब हम फाइंड करेंगे मास परसेंट ऑफ सल्फर. ठीक है, तो सल्फर एक ही प्रेजेंट है और एक सल्फर का जो एटॉमिक वेट है वो है 32 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का जो वेट है 142 इंटू 100. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 22.5% ये आ जाएगा मास परसेंट ऑफ सल्फर. अब हम फाइंड करेंगे मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है. ठीक है, तो 4 इंटू 16 यानी कि 64. टोटल मास ऑफ कंपाउंड है 142 इंटू 100. तो ये आ जाएगा 45%. तो अब जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उनका मास परसेंट आ गया है. सोडियम का आया है 32.5%, फिर सल्फर का आ गया हमारे पास 22.5%, और ऑक्सीजन का मास परसेंट है 45%. सो ये है हमारे पास मेथड की किस तरह से आप मास परसेंट फाइंड कर सकते हो. तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऐसे ही सारे सॉल्यूशंस के लिए यू कैन
वॉच द फर जो भी अपकमिंग वीडियोज होंगी उनको आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि सबको हेल्प हो सके. एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.